नमस्कार दोस्तों, मैं भी आपको बताने वाला हूँ एंकल पेन। ये जो पॉम में ये एंकल में पेन होता है उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए मैं बहुत ही इजी ट्रीटमेंट आपको बता रहा हूँ। ये आपकी उंगलियाँ जो है मिडिल उंगली और ये रिंग फिंगर, मिडिल फिंगर रिंग फिंगर, इस दोनों का जो ये पार्ट है ये देखिए यहाँ का ये पार्ट और यहाँ का ये पार्ट, यहाँ का ये पार्ट और यहाँ का ये पार्ट, ये चार पार्ट सेम इस हाथों में भी है दोस्तों। ये देखिए दोनों हाथों में मैं ये दिखा रहा हूं, इस पॉइंट पे दिख रहा है आप लोगों को, ये आपका एंकल पेन के लिए है ये जगह दोस्तों। इसके इसे क्या करना है, अगर आपके पास टाइम है तो इसे 2 मिनट करके दबाइए दोनों को, दोनों हाथों में, जिसमें आपको सबसे ज्यादा दर्द महसूस हो उस जगह पे आपको ये क्या कहते हैं इसका दाना, काली मिर्च है, काली मिर्च का दाना लगाना है। अगर इस पॉइंट ज्वाइंट पे दर्द है तो यहां पे लगा दिया, या नहीं समझ में आ रहा है तो आपको क्या करना है कि हर एक में लगा दीजिए, हर एक जगह पे ये दाने को आपका अप्लाई कीजिए काली मिर्च का। और साथ में क्या करना है आपको दोनों हाथों में, अगर एक दिन इसमें लेना है तो एक दिन इसमें लीजिए, एक दिन इसमें लीजिए, चेंज कर करके आप ले सकते हैं दोस्तों। ये यहाँ पे और इस पॉइंट को, इस दाने को, इसको दबाते रहिए। अगर आप इसको दबाते रहेंगे तो धीरे 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 करके आपके एंकल का जो पेन है वो खत्म हो जाएगा। अगर पुराना है तो इसे कुछ जो है टाइम लगेगा जाने में, लेकिन आराम मिलना आपको फर्स्ट डे से ही चालू हो जाएगा। जैसे दबाएंगे उसी जगह से आपको आराम मिलना स्टार्ट कर देगा। ये देखिए ये, और साथ ये पॉइंट है, इस पॉइंट को ऐसे ऐसे करके प्लीज दबाते रहिए। ये दबाना, पॉइंट पुश करना जरूरी है, प्रेशर देना जरूरी है, ये प्रेशर से ही वो दर्द जाएगा। यहाँ पे प्रेशर करेंगे दर्द पेनफुल होगा, और ये करिएगा इससे आपका ये पेन खत्म हो जाएगा। लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।